बुलडोजर एक्शन आजकल राजनीति में एक अलग पहचान बना चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए राज्य सरकारों पर सवाल उठाए, उन्हें फटकार लगाई। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने ये रोक अगली सुनवाई यानी कि 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। कोर्ट का ये आदेश निजी संपत्तियों पे होने वाले एक्शन को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक इस अदालत की अनुमति के बिना कोई भी विध्वंस नहीं होगा। हालांकि ऐसा आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों से सटे या सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के महिमा मंडल के ऊपर सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने ये कहा कि ये रुकना चाहिए। अदालत ने अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होने वाली है। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2022 में नोटिस दिया गया है और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। क्या ये कार्रवाई कानून के तहत की गई? सॉलिटरी जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक की बुलडोजर की कार्रवाई कानून के तहत की गई। श्री मेहता ने कहा कि ये कहना कि एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ ही कार्रवाई की गई है, ये गलत है। इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ये कहा था कि किसी अपराध के मामले में कथित संलिप्त वैध रूप से निर्मित मकानों को ध्वस्त करने का कोई भी आधार नहीं। शीर्ष अदालत ये भी कहा कि कानून के शासन के द्वारा शासित देश के अधिकारियों के द्वारा मकान को तोड़फोड़ करने की धमकियों को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ऐसे तोड़फोड़ पर कार्रवाई करने की धमकियों से अनजान नहीं हो सकता जो ऐसे देश में अकल्पनीय है जहां कानून सर्वोपरि है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यदि इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो ये देश के कानून पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल सैयद की दलीलों को सुनने के बाद किया। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य पीठ ने कहा था कि आपराधिक मामलों में आरोपी होने के आधार पर किसी के मकान के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथ की पीठ ने ये कहा कि आरोपी ही नहीं आपराधिक मामले में दोषी ठहराने के बावजूद बुलडोजर से मकान को नहीं गिराया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। आजमगढ़ के अंदर कानूनी प्रक्रिया अपनाई बिना बुलडोजर के घर गिराए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी को व्यक्त किया था। इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया। कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। आजमगढ़ के सुनील कुमार ने अपना घर गिराए जाने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जमीन विवाद को लेकर आजमगढ़ ने एडिशनल कलेक्ट्रेट ने 22 जुलाई को सुनील कुमार का घर गिराने का आदेश जारी किया। सुनील का आरोप था कि उसका पक्ष जाने बिना उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।